उसी दिन से अंदर भी जारी है। दो वाले दिन रात में बाय काम की तकरीर हुई, जिसके अंदर लोगों को जो है पर्यावरण और साथ में पानी बचाने के लिए वो रखा गया है कि लोग जो है पानी को बचाएँ और पर्यावरण को जो है प्रदूषित वातावरण से बचने की कोशिश करें, अपने घर में कपड़े लगाएँ, बेटी पढ़ाएँ, बेटी बढ़ाएँ के लिए जोर दिया गया। उसके बाद 22 नगर निगम की तरफ से सुविधाएं दी गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी गई है, इन सुविधाओं से हमें वंचित, सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया ये समझ में नहीं है। नगर निगम की तरफ से कहीं सफाई नहीं, नगर निगम की तरफ से ना कहीं पानी की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी तरह का छिड़काव की व्यवस्था की गई, ना बत्ती की व्यवस्था की गई। इसलिए हम उनके नगर निगम के सभी अधिकारी और साथ में मेयर साहब का हम विरोध करते हैं और उन पार्षद का भी विरोध करते हैं जो इस एरिया के हैं। उन्होंने आज इसको भी नहीं देखा कि यहाँ पर इतना फोर्स चल रहा है, उसमें आकर क्या हो रहा है। ये फोर्स के लिए अलग अलग लोगों का कहना है, मैं तो ये कहूँगा कि ये 439 माह फोर्स बैठेगा जो वेलफंड कार्यकर वेलफंड में दिया गया है, उसके मुताबिक 439 माह। इस दरगाह की क्या खासियत है? इस दरगाह की खासियत, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भिन्न भिन्न आदरित के जो लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं और खुद का खुद सरकार गिरफ्तार करते हैं। जो भूत परेत होते हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, उनको सरकार बहुत को देख देख कर बताते हैं। और इसके साथ साथ जो मरीज जिनको डॉक्टर लाइलाज करते थे वो आकर यहाँ से फैजयाब होते हैं। इस दरगाह की ये सबसे बड़ी बात है। साथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही जगह बैठकर एक ही संग बहकर खाते पीते और बैठे हैं। सबसे बड़ी जगह अगर कहा जाए तो बरेली के पुतब हैं आप, इसलिए सबसे बड़ी जगह सरकार छाने वाली सबसे बरेली की जगह कहलाई जाती है। तेरे दरवाजे